नमस्कार, आज के साक्षरता पत्रिका के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे तमिलनाडु के औद्योगिक नगर कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर स्थित जन शिक्षण संस्थान में कुछ ऐसे अच्छे कोर्सेज चुने गए हैं जिनका संबंध उद्योगों से है। यहाँ पर प्रशिक्षुओं को थ्योरी की शिक्षा क्लासेस में दी जाती है और उसके बाद उन्हें किसी न किसी ऐसे उद्योग से जोड़ दिया जाता है जहाँ पर वे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पाते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कुछ महीनों तक पाने के बाद उन्हें वहीं एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी उन्हीं फैक्ट्रीज में, उन्हीं इंडस्ट्रीज में उन्हें रोजगार दे दिया जाता है। इससे वह अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे व्यावसायिक कोर्सेज यहाँ सिखाए जाते हैं जिन्हें हमने पाया कि सीख कर लोग अपने पैरों पर खुद खड़े हैं, अपना बिजनेस खुद शुरू कर सके हैं। तो आइए चलते हैं कोयम्बटूर के इन्हीं कामयाब लोगों से मिलने, इनकी वर्क प्लेसेस पर, यानी कि जहाँ ये काम करते हैं वहाँ चल के हम इनसे बातचीत करते हैं और आपको सुनाते हैं इन्हीं की जुबानी में इन्हीं की कहानी। पहाड़ों और हरियाली के बीच बसा तमिलनाडु का यह कोयम्बटूर शहर, जहां साक्षरता की दर ऊंची होने के साथ साथ यहां के लोग स्वाभाविक रूप से विकासशील और मेहनती हैं। यहां के औद्योगिक विकास और पंजाब राज्य के विकास में काफ़ी समानताएं हैं। प्रगति से उत्पन्न होते हैं रोजगार के रास्ते, जिन्हें विकसित करने में यहाँ के जन शिक्षण संस्थान ने अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का नियोजन किया है जो स्थायी परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुकूल हैं। और देखा गया कि यह कोर्सेज लोगों की पकड़ में भली भांति आ चुके हैं। कोयम्बटूर के सुरेश आज बिजली की चीज़ें ठीक करने की दुकान चलाते हैं। वह बता रहे हैं अपनी सफलता का राज। सुरेश ने बताया कि जब वह 10वीं कक्षा पास नहीं कर पाए तो उन्होंने कुछ तकनीकी व्यवसाय सीखने के लिए जन शिक्षण संस्थान से बिजली का सामान ठीक करने और बिजली के तारे ठीक करने का कोर्स किया जो 6 महीने का था, और फिर जन शिक्षण संस्थान की मदद से ही प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना से उन्हें 1 लाख रुपए का लोन मिल गया। 10,000 रुपए उन्होंने स्वयं डाले और यह दुकान खोली, और आज वह इस दुकान से ही 10,000 महीना तक आराम से कमा लेते हैं। उन्होंने कई लोगों को रोजगार भी दिया है और इसके साथ साथ 8-10 जन शिक्षण संस्थान के ट्रेनीज को भी अपनी दुकान में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे चुके हैं। उन्होंने बताया कि उनके पिताजी और भाई जो बिजली के कामों के कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनकी इस दुकान चलाने में मदद करते हैं। वह कोयम्बटूर जन शिक्षण संस्थान के बहुत आभारी हैं जिन्होंने उनकी जिंदगी को इतना आरामदेह बना दिया, और वह बहुत खुश हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज सुरेश की दुकान में हर प्रकार के बिजली के उपकरण ठीक होने के लिए आते हैं, जैसे पंखा, प्रेस की मशीन, मिक्सी, गीजर, मोटर पंप, फर्श की मशीन इत्यादि। और सुरेश
उन्हें पूर्णता ठीक करने में सक्षम हैं, जिसका श्रेय वह जन शिक्षण संस्थान को देती हैं। महेंद्रन, जो बचपन से ही सुन और बोल नहीं पाते हैं, एक ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस में सहायक का काम करते हैं और उन्हें अपनी जीविका का साधन मिल गया है। उन्होंने जन शिक्षण संस्थान से ऑफसेट प्रिंटिंग का कोर्स किया था और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए उन्हें यहाँ भेजा गया था। ट्रेनिंग पाने के बाद उनको यही नौकरी दे दी गई और वह बेहद मन लगा कर अपना काम करते हैं और शीघ्र ही फुल ऑपरेटर बनकर सारी जिम्मेवारी संभाल लेने की इच्छा रखते हैं। जन शिक्षण संस्थानों के कार्यक्रमों का नियोजन कुछ इस प्रकार से किया जाता है कि शिक्षा के साथ साथ वह अपने प्रशिक्षार्थियों में आत्मविश्वास भी जगाते हैं। यही कारण है कि आज महेंद्रन इस सफलता से, इस सक्षमता से अपना कार्य कर पा रहा है और अपनी कमजोरियों को ना महसूस करते हुए उसमें हिम्मत की कमी नहीं है। आज महेंद्रन की कामयाबी से उनके घर वाले बहुत संतुष्ट हैं और उनके पिताजी, जो खास तौर से हमसे मिलने के लिए आए, उन्होंने हमें बताया, महेंद्रन तो बचपन से बोल नहीं सकता है, अब वह 18 साल का है और जन शिक्षण संस्थान में ट्रेनिंग के बाद यही काम कर रहा है। उसे 1600 रुपए वेतन मिलता है। वह जन शिक्षण संस्थान के बहुत आभारी हैं कि उनके बेटे को जीने का सहारा दिया। उनकी प्रिंटिंग प्रेस के मैनेजर उनके काम से काफी खुश हैं। उन्होंने बताया कि महेंद्र उनके साथ 1.5 साल से काम कर रहा है और उसे 1600 रुपए वेतन सहायक के तौर पर मिलता है। जब वह यहाँ ऑपरेटर हो जाएंगे तो उनका वेतन 2000 रुपए हो जाएगा और ओवरटाइम भी मिलेगा। वह जन शिक्षण संस्थान के और भी ट्रेनिंग को काम पर रखना चाहते हैं, इसलिए निरंतर जन शिक्षण संस्थान के साथ संपर्क में रहते हैं। समाज सेवा की दृष्टि से भी जन शिक्षण संस्थान के काम की वह सराहना करते हैं। आज कंप्यूटर पर कंट्रोल वॉल्व्स डिज़ाइन करके स्वयं का आविष्कार किया है धंडा पानी ने। धंडा पानी ने तो जन शिक्षण संस्थान से फिटर का कोर्स करके उससे एक मिसाल ही कायम कर दी है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए उन्हें जहां रखा गया था, वहीं उन्होंने रेगुलर काम किया 1 साल तक और कुछ वर्ष के पश्चात धंडा पानी ने एक दोस्त के साथ मिलकर कंट्रोल वॉल्व निर्माण करने की यह फैक्ट्री खोली। आज ठंडा पानी 20,000 रुपये महीना से ज़्यादा कमा लेते हैं, जबकि उनकी कंपनी का टर्नओवर 20 लाख रुपये है। इनकी उम्र 28 वर्ष है और पिछले 1 साल में ही उन्होंने अपनी लगन और मेहनत से जन शिक्षण संस्थान का नाम रोशन कर दिया है। यह वॉल्व उन्हीं के द्वारा डिज़ाइन और निर्माणित हैं, जिन्हें वे सारे देश में एजेंसीज के माध्यम से बेचना चाहते हैं। और फिर हम पहुंचे एक आधुनिक फैक्ट्री में, जहां हम मिले कुछ सफल युवकों से। ज्यादा शिक्षा ना होने के बावजूद इन्होंने
यह तकनीकी काम सीखकर रोजगार का रास्ता ढूंढा और आज खुशी से अपने पैरों पर खड़े हैं। विजय कुमार ने जन शिक्षण संस्थान से टर्नर का 6 महीने का कोर्स किया और पिछले 1 वर्ष से वह इसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। उन्हें यहाँ 1500 रुपये महीना मिलता है। विजय कुमार ने हमें बताया कि वह अपने साथियों और अपने परिवार वालों को यही बताते हैं कि जन शिक्षण संस्थान से कोर्सेस करके सब अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। कितना महीना का ट्रेनिंग किया आपने? 2 months. 2 months ट्रेनिंग? What ट्रेनिंग? The 6 month ट्रेनिंग. आपके साथ क्या हुआ क्या? Working. तरह हरिदास और शांतिल कुमार ने भी जन शिक्षण संस्थान से 6 महीने का फिटर का कोर्स किया और वह भी आज 1500 महीना इसी फैक्ट्री में कमा रहे हैं। जन शिक्षण संस्थान ने थ्योरी के कोर्स के बाद उन्हें इसी उद्योग घर के साथ जोड़ दिया था, जहां ट्रेनिंग के बाद वह नियमित कर्मचारी बन गए हैं। कोयम्बटूर के उद्योगीकरण का उदाहरण है ये आधुनिक फैक्ट्री। राजेंद्रन और शांतिल बाबू ने कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल लेथ ऑपरेटर्स की शिक्षा जन शिक्षण संस्थान से पाई और आज इसी उद्योग घर में कंप्यूटर कंट्रोल मशीन्स पर काम करते हैं, जिसमें अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, जिनकी खासियत यह है कि इनमें त्रुटि होने की संभावना नहीं के बराबर होती है। और स्वयं का लघु उद्योग स्थापित किया शिव कुमार ने। जन शिक्षण संस्थान से टूल एंड डाई मेकिंग का 1 वर्ष का कोर्स करके यह मलेशिया भी गए और कई उद्योगों में इन्होंने काम किया। आज स्वयं इस उद्योग के मालिक हैं और 12,000 रुपये महीने तक कमा लेते हैं। इन्होंने 3 महिलाओं को भी अपने यहाँ रोजगार प्रदान किया है। वह कील से लेकर तरह तरह के स्प्रिंग बना लेते हैं। इस प्रकार के रोजगार की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए ही जन शिक्षण संस्थान ने इस कोर्स की स्थापना की थी। शिव कुमार की इस लगन और मेहनत के साथ छिपी है प्रेरणा और मार्गदर्शन, जो साक्षरता मिशन द्वारा प्रचलित जन शिक्षण संस्थानों का उद्देश्य है। शिव कुमार अपने यहाँ जन शिक्षण संस्थान के ट्रेनीज को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के लिए सदैव तैयार रहते हैं और आज तक 4-5 लोगों को ट्रेनिंग दे भी चुके हैं। शिव कुमार की खासियत यह है कि यह ना केवल चीज़ों का निर्माण करते हैं अपितु उनका डिज़ाइन भी करते हैं। यह कारों की ग्रिल और स्प्रिंग उन्होंने ही डिज़ाइन करके निर्माणित किए हैं। शिव कुमार ने हमें अपनी दास्तान सुनाई और
जन शिक्षण संस्थान के प्रति अपना आभार प्रकट किया कि वह कभी सोच भी नहीं सकते थे कि 38 साल की उम्र में वह अपना खुद का कारोबार चला पाएंगे। पर मंथ टर्नर विन आई एम टीएनजीसी सीएससी आरसी होल्डर प्लस फोर एम्प्लॉइज वर्किंग कैपिटल मीन ₹1 lakh मिनिमम ₹1 lakh ओन इंडस्ट्री। और अब देखिए मेडिकल के क्षेत्र में जन शिक्षण संस्थान की सफलताएं और मिलिए कुछ महिलाओं ने जिन्होंने यहां से नर्सिंग का कोर्स किया था और आज बाहर के अस्पतालों में ट्रेनिंग पा रही हैं। स्टेला मेरे जय चित्रा लक्ष्मी प्रिया। We have a great demand for paramedical nursing personnel in this part of the country. The number of educational institutions catering to such demand are rather small in number. So the Government of India's program from the Human Resource Development Ministry, Jan Shikshan Samsthan program, is a great boon for not only for the public but also for the healthcare institutions. This Jan Shikshan Samsthan trains these students in the classroom for a period of 3 months or 4 months, and they come to our hospital for a practical training. On a yearly basis, we take about 15 to 20 of the students in various disciplines: the operation theatre technician training program, intensive critical care unit training program, laboratory technician training program, also biomedical instrumentation technicians program. And these people have a hands-on practical training under the supervision of the senior personnel in the department. एक औद्योगिक नगर में सामान लाने ले जाने के हेतु ट्रकों का अत्यधिक मात्रा में होना स्वाभाविक है, जिससे उत्पन्न हुआ है इनकी निरंतर देखरेख और ठीक करने का रोजगार। वैसे भी मोटर वाहन ठीक करने का कोर्स यहाँ के युवकों का बहुत ही पसंदीदा कोर्स है। जन शिक्षण संस्थान से यही शिक्षा प्राप्त करके इन्होंने स्वयं का गैराज खोला और आज 6-7 युवकों को भी काम सिखाकर उनको जीने का साधन प्रदान किया है। वह स्वयं 10 से 15 हजार रुपये मासिक तक कमा लेते हैं। जन शिक्षण संस्थान में सॉफ्ट टॉयज यानी कपड़े और रुई के खिलौने बनाने का कोर्स बहुत ही प्रचलित है। ख़ास तौर पर महिलाएं इसे बहुत पसंद करती हैं क्योंकि वह इस व्यवसाय को स्वयं के रोज़गार का रूप दे सकती हैं और घर बैठे भी चला सकती हैं। हमारी आज की सितारा खबर है पद्मा। पद्मा ने भी यही कोर्स किया और आज हर माह 6-7 हजार रुपये महीना कमा लेती हैं। बटन कपड़ा धागा सुई मशीनों आदि के खर्चे निकालने के बाद पद्मा को अपनी परिवार की ओर से पूरा सहयोग मिलता है और वह लोग भी काम में उनका हाथ बटाते हैं। तारीफ़ काबिल बात यह भी है कि इनकी बनाए हुए खिलौनों का स्टैंडर्ड इतना अच्छा होता है कि अब वह इन्हें एक्सपोर्ट करने की योजना भी बना चुकी हैं। पद्मा ने हमें बताया कि उन्होंने कभी सोचा भी ना था कि वह कुछ काम अपने आप करके अपना खर्च निकाल पाएंगी। जन शिक्षण संस्थान ने उन्हें ये रास्ता बताया और आज वह बहुत खुश दिखाई देती हैं। Oh,
Padma, Mrs. Padma. मैं बहुत खुश हूँ. तो ये थी हमारे कोयम्बतूर अंक की कहानी. हम आपको याद दिला दें कि साक्षरता पत्रिका कार्यक्रम हम हर हफ्ते आपको दिखाते हैं और इसमें हम दक्षिण भारत के एक अलग अलग नगर की जन शिक्षण संस्थान से पाई शिक्षा के कामयाब लोगों की कहानी लेकर आते हैं. अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे. तब तक के लिए नमस्कार.